फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। कृष्णा नगर थाने की टीम ने एक सशस्त्र लूट मामले को सुलझाकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक देशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और अपराध करने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। शहादरा जिला के डीसीपी रोहित मीना ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, 15 दिसंबर को शाम लगभग 6:30 पर गली नंबर 1 शंकर नगर में दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर 1,00,000 रुपए और कुछ मूल्यवान दस्तावेजों से भरा बैग लूटने के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। एक बाइक पर दो अपराधी थे जो शिकायतकर्ता का पीछा कर रहे थे और उन्होंने शंकर नगर गली नंबर 1 में शिकायतकर्ता का रास्ता रोका और शिकायतकर्ता के साथ हाथापाई की और उसके सिर पर देशी पिस्तौल के हैंडल से हमला किया और बैग लूट लिया जिसमें 1,00,000 रुपए थे। मामले की गंभीरता का आकलन करने पर तुरंत FIR संख्या 760-2023 दिनांक 15 दिसंबर 2023 US 394-397-34 IPCPS कृष्णा नगर के तहत मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू की गई। इस सनसनीखेज घटना की गंभीरता को देखते हुए तदनुसार ACP गांधी नगर की कड़ी निगरानी में रजनीश कुमार SHO कृष्णा नगर के नेतृत्व में एक समर्पित टीम का गठन किया गया जिसमें इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह SI धनंजय, ASI कुवरपाल, हेड कांस्टेबल दीपक शामिल थे। टीम तुरंत एक्शन में आई और मामले को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी और एक अपराधी को पकड़ लिया। दिल्ली NCR के लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 150 CCTV कैमरों के फुटेज का विश्लेषण किया गया और स्थानीय जानकारी विकसित की गई। टीम लगातार काम कर रही थी। जानकारी के अनुसार दोनों अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी बाइक नहीं ले जा सके। शिकायतकर्ता ने सारी जानकारी के लिए लोकेशन पर फोन किया। लुटेरों के मार्ग और अपराध में प्रयुक्त बाइक के स्वामित्व के CCTV फुटेज के विश्लेषण के अनुसार टीम द्वारा लुटेरों के बारे में एक सुराग विकसित किया गया था। गुप्त मुखबिरों के माध्यम से सूचना विकसित की गई। घटना के एक सप्ताह के बाद एक लुटेरे अरशलान ने अपना मोबाइल फोन चालू किया और तकनीकी जांच के माध्यम से उसकी लोकेशन गुलाबठी बुलंदशहर UP में शून्य मिली। टीम बिना समय बर्बाद किए गुलाबठी की ओर दौड़ पड़ी। टीम ने यूपी पुलिस के साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन में पीर खान मोहल्ले गुलाबठी बुलंदशहर UP से एक अपराधी को पकड़ा। पकड़े गए लुटेरे के कब्जे से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और 10,000 रुपए नकद बरामद किए गए। सह आरोपी की पहचान की जा रही है और आगे की जांच जारी है। आरोपी के पास से एक देशी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस, अपराध करने में प्रयुक्त बाइक और 10,000 रुपए बरामद किए। DCP रोहित मीना ने बताया कि निम्नलिखित टीमों ने योग्य SCP गांधी नगर एवं एडिशनल DCP प्रथम राजीव रावल की निगरानी में यह उत्कृष्ट कार्य किया है। अभियुक्त का प्रोफाइल नाम अरसलान पुत्र नवाबुद्दीन निवासी 101 गली नंबर 3 नीचा सादिक नगर मेरठ UP, उम्र 23 वर्ष,